कश्मीर। हाय तारिक जी। मैं तारिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे फेसबुक पर लाइव फ्रेंडली कन्वर्सेशन पे लिया, तो बहुत ही बहुत धन्यवाद उसके लिए। और हाय फ्रेंड्स, स्पेशली लड़कियाँ, मैंने सुना है कि कश्मीर जन्नत है, छोटा सा स्विट्जरलैंड है, वहाँ के लोग बहुत ही स्वीट है और उनके पास बहुत टैलेंट है। आपके पास भी है, आप टैलेंटेड हो, है ना? तो आप भी मेरी तरह मूवीज में आ सकते हो, फेमस हो सकते हो अपने आर्ट से, अपने टैलेंट से। सो लाइफ में हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहें, जो भी काम करें कॉन्फिडेंट से करें, और वर्क हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ। कश्मीर। हे गाइस, मैं ऑप्शन मंडाई फ्रॉम सुपर एंड चैप्टर 3। सो गाइस, मैंने रिसेंटली एफबी लाइव करा था तारिक अहमद सर के साथ, जो कि हैं कश्मीर से, और वो बहुत ही बढ़िया लाइव सेशन था। और तारिक अहमद सर की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि वो सोशल एक्टिविस्ट हैं और कश्मीर के लोगों को बहुत प्रेरणा देते हैं, तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। लॉट्स ऑफ लव। हाय गाइस एंड थैंक्स फॉर कमिंग। मुझे तारिक सर के साथ लाइव चैट करने को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे कश्मीर के बारे में बहुत कुछ बताया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम कोचर, मैं एक एक्टर हूँ। मैंने हाल फिलहाल में एक एफबी लाइव किया था तारिक अहमद जी के साथ, जो कि श्रीनगर से हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एफबी लाइव रहा। तारिक अहमद जी एंजल कल्चरल एकेडमी के फाउंडर हैं, जो कि ये श्रीनगर में चलाते हैं। उसके साथ साथ ये रेडियो जॉकी हैं, एक्टर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात, ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जो कि कश्मीर के यूथ के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे कि हम सब कश्मीर के हालातों से वाकिफ़ हैं, और ऊपर से इस पैंडमिक के हालातों से भी हम काफ़ी वाकिफ़ हैं। जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरे देश की कमर तोड़ दी है, ऐसे हालातों में ये बहुत अमूमन सी बात है कि हम अपना हौसला कहीं खो बैठे। लेकिन तारिक जी, आप जैसे लोग हैं जो कि हमारे यूथ की हौसला अफजाई करते हैं, और ख़ास तौर कश्मीर के यूथ की आप हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको कल्चर की तरफ आप उनका रुझान बढ़ा रहे हैं, उनके साथ मतलब उन वहाँ के आर्टिस्ट को आप एक उम्मीद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगली बार अगर कभी मौका मिले, कभी मैं श्रीनगर आया, या आपने, या हम इस पैंडमिक के बाद कभी मौका मिला मुझे आने का, तो मैं वहाँ के यूथ से आकर ज़रूर रूबरू होना चाहूँगा। हो सके तो उनसे थिएटर के बारे में बात करेंगे, एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, कुछ वर्कशॉप्स करेंगे, तो ये सब ज़रूर करना चाहूँगा। एंड तारिक जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल्सो कि आप अपनी इस मुहिम में कामयाब हों। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो। सो मैं कल तारिक जी से लाइव आया था। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलूँ तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ लाइव आके। वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, पेशे से वो एक एक्टर भी। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ लाइव आके। उन्होंने मेरी जर्नी के बारे में पूछा, मेरे एक्टिंग करियर के बारे में पूछा, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ लाइव आके। मैं तारिक जी से यही बोलना चाहूँगा कि आप जो भी ये कर रहे हो, ये बहुत अच्छा कर रहे हो। सेलिब्रिटी की जर्नी के बारे में आप पूछ रहे हो, सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं ये लॉकडाउन में, वो आप पूछ रहे हो। सो मेरी बेस्ट विशेस है आपको, थैंक यू सो मच। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, मैं सुब्रत दत्ता, अभिनेता सुब्रत दत्ता। कल फेसबुक पर तारिक अहमद शेरा जी से मेरी बातचीत हुई, जो खुद श्रीनगर कश्मीर से है। मुझे बहुत मज़ा आया। एंजल्स कल्चरल एकेडमी के फाउंडर मेंबर हैं, दूरदर्शन केंद्र से भी जुड़े हुए हैं, रेडियो से जुड़े हुए हैं वहाँ के, और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। और मुझे वहाँ पे उनके ज़रिए बहुत कुछ पता चला। उन्होंने इनवाइट किया कि आप लोग आए हैं, शूटिंग कीजिए। और बहुत अच्छा सवाल आया था एक, तो मैं बता दूँ कि NSD.gov.in, ये 3 साल का कोर्स बिल्कुल फ्री है,
पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, यहाँ पे बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं वो भी फ्री है, थिएटर एजुकेशन कंपनी बच्चों के लिए बहुत सारे वो भी फ्री है, वहाँ पे मुस्तक आकाश्वत भट्ट बहुत सारे लोग एनएसडी से पास आउट है जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आप जुड़ सकते हैं अगर आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। और तारिक जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे उनके साथ बात करने का मौका देने के लिए। सो बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ, होप आपको वो बातचीत बहुत अच्छा लगा, हालांकि 2G वहाँ पे था इसलिए थोड़े से तकनीकी दिक्कतें आई थी, बट आई एंजॉयड अ लॉट। आदम नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिनेता प्रशांत बारोट, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और कल एफबी लाइव में मेरा संवाद हुआ तारिक अहमद सेरा जी के साथ जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर से है और वहां की एंजल्स कल्चरल एकेडमी के वो फाउंडर है, प्रेसिडेंट है, वहां के सोशल एक्टिविस्ट है और ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर से जुड़े हुए हैं बतौर एज एन एक्टर। उनके साथ एक संवाद हुआ और हमारी जो कल्चरल एक्टिविटीज है यहां की, मेरी और मेरे करियर के बारे में कुछ बातचीत हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी थिएटर एक्टिविटी, मेरी कुछ फिल्मों के बारे में भी बात हुई और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ के हमारे नौजवान जो कला में रुचि रखते हैं उनको भी पसंद आई होगी। मैं ये वीडियो के माध्यम से श्री तारिक अहमद सेरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूँ कि उनकी सोशल और कल्चरल एक्टिविटी दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छे वो प्रगति करे, उनको बढ़ावा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पार्था आकेरकर है। दो दिन पहले मैं लाइव आया था FB पर, मिस्टर तारिक अहमद फ्रॉम श्रीनगर, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। ही इज़ अ वेरी वेरी ऑसम पर्सनालिटी, बहुत डायनामिक है, काफ़ी काम करते हैं, रेडियो जॉकी है, होस्ट है, एक्टर है, काफ़ी सारा सोशल वर्क करते हैं, ड्रग्स और यू नो पीपल वेलफेयर के लिए काम करते हैं और प्राउड कश्मीरी है। आई हैड अ रियली रियली लवली एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था। हालांकि कश्मीर में सिर्फ 2G इंटरनेट होने की वजह से हम इंटरव्यू के दौरान हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बट आई प्रोमिस्ड हिम कि नेक्स्ट टाइम यू नो यू कैन फ्रीली टेक माय इंटरव्यू वेन एवर द इंटरनेट इज़ सॉर्टेड। इसके अलावा यू नो आई वाज आल्सो टोल्ड दैट कश्मीर में काफ़ी एंथुजियास्टिक यूथ है जो आर्ट कल्चर इसको फॉलो करती है, तो जब ही भी मैं कश्मीर आऊँगा मैं ज़रूर तारिक जी से मिलना चाहूँगा और वहाँ कुछ आर्ट और कल्चर से जुड़े इवेंट्स में आना चाहूँगा, वहाँ वर्कशॉप्स लेना चाहूँगा और कश्मीरी कल्चर को और थोड़ा समझने की कोशिश करना चाहूँगा। तारिक जी, इट वाज लवली लवली टॉकिंग टू यू एंड आई एम रियली सॉरी, आई वाज रियली टाइड अप फॉर दीज 2 डेज, इसीलिए मैं आपसे आपको ये वीडियो भेज नहीं पाया, but it was really fun being with you and I hope to see you soon and kashmiriyo please take care of yourself, ye covid pandemic mein zyada bahar mat nikliye, aapke aur aapke parivar walon ka khayal rakhiye, khas karke auraton ka, bachchon ka aur bade boodhon ka, take care, stay safe, have a good day। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप सरकार। रिसेंटली मैंने तारिक अहमद जी के साथ एक फेसबुक लाइव पे आया था, तो वहीं से मुझे पता चला कि अहमद जी ना कि एक अच्छा एक एक्टर है, ना कि एक सिर्फ जर्नलिस्ट है, बल्कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो कलाकार है उनके आगे आने के लिए काम करते हैं, जो कि मैं मानता हूँ बहुत ही एक अच्छा स्टेप है कि जाके मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर में मेरे जो भाई बहनें हैं जो बहुत ही हुनर कलाकार है, उनमें बहुत ही अच्छा टैलेंट है, जिनको एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा
अच्छा कर सकते हैं वो लोग, तो उनके आगे आने के लिए जो तारिक जी, तारिक अहमद जी जो कर रहे हैं, मैं उसका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मेरे तरफ से बेस्ट विशेस है मेरे जम्मू कश्मीर के सब भाई बहनों को, आप लोग अपना टैलेंट ज़रूर और उसको एनहेंस कीजिए। आप लोगों को मैं मानता हूँ, आप लोग नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा काम करने का काबिलियत आप लोगों में है। तो तारिक जी और मेरे जम्मू कश्मीर के सारे भाई बंधुओं को मैं मेरे तरफ से बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते रहे और आगे आते रहे। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम सभी नाज़रीन को। मैं आज का जो वीडियो मैं खासकर बना रहा हूँ, जो मेरे खास दोस्त हैं तारिक अहमद साहब हैं, जो श्रीनगर के हैं, जो खुद एक अपने में एक मतलब एक पहचान है, मैं बयान नहीं कर सकता, तारिक के कुछ मोहताज नहीं है। वो रेडियो जॉब की है, एक्टर भी हैं, और सबसे मेन चीज है उनका जो एक ग्रुप है, मैं आपको नाम बता, एंजल्स कल्चर एकेडमी के वो प्रेसिडेंट है। वो उन्होंने आज क्या किया, इस लॉकडाउन में एक अच्छा इनिशियल एक कस्टम मतलब स्टेप लिया है। जो जितने भी टैलेंट्स होते हैं यहाँ कश्मीर में, आउट ऑफ कश्मीर या बॉलीवुड के, जो जिस इंडस्ट्री से जो रिलेटेड हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो भी है, उनके साथ उन्होंने लाइव सेशन रखा है। बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि वो टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आप जो भी टैलेंट ने जो भी काम किया तो लोगों तक वो पहुंचा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा एक मतलब स्टेप उन्होंने लिया है। आज भी उनके साथ मैं एक लाइव सेशन पे था अभी कुछ टाइम पहले, मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनसे बात करने को, मतलब उन्होंने अपने मतलब मैंने अपने जो मैं अपने जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया उनके साथ, लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो मैं ऑल द बेस्ट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ अपने भाई तारिक साहब को और उनकी एकेडमी जो है, इनके कल्चर एंजल्स कल्चर एकेडमी। तो प्लीज इनके सपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको भी फायदा है, आपको भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जो लोग आपके पास लाइव सेशन में आ रहे हैं, उनको उनसे आपको सीखना मिलेगा, सीखने को मिलेगा, चाहे वो कश्मीर में हो या आउट ऑफ कश्मीर में जो भी काम कर रहे हैं। तो प्लीज आप सपोर्ट कर लीजिए तारिक साहब को और उसके एकेडमी को। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बड़ा खुश हूँ कि तारिक भाई एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, जो लोगों के लिए है, ख़ासतौर पे आर्टिस्ट जो फ्रेटर्निटी है उनके लिए है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो तजुर्बात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों तक लेके आते हैं इंटरव्यू के ज़रिए। जो लाइव सेशन का उन्होंने एक दौर शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। इस दौर में 2G में ये काम करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सही बात तो ये है कि हम लोगों को इन हालात में उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई करे या न करे, लेकिन मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ इनको कि उनका ये उनकी जो ये कोशिश है बहुत ही अच्छी कोशिश है। अल्लाह उनको तौफीक दे। मेरी तरफ से तारिक भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद।